हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जी लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज क्या बताती हैं। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी आज के दिन में कैसी रहेगी। तो हमेशा की तरह मेरे व्यूवर्स की एनर्जी होगी मेरे राइट साइड में और आपके पर्सन की एनर्जी होगी मेरे लेफ्ट साइड में। सो ये है गाइस आपकी एनर्जी, ये है आपके पर्सन की एनर्जी। फर्स्ट वी हैव द स्टार, टू ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, फाइव ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वांड्स, टू ऑफ वांड्स। आज ज़्यादातर लोगों का मूड थोड़ा ख़राब नज़र आ रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप गुस्से में हैं, आप क्या बोल रहे हैं उस पर आपको थोड़ा सा आज ध्यान देकर बोलने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन की वजह से आपको एंड ऑफ द डे हो सकता है कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन हो कि शायद मैंने गलत बोल दिया या ज़्यादा बोल दिया। सबसे पहले मैं बता दूं कि ज़्यादातर लोगों की आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बिकॉज वी हैव द स्टार, वी हैव द फूल, वी हैव सिक्स ऑफ वांड्स। कहीं ना कहीं आप जीतने की होड़ में हैं, मतलब कुछ कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिल सकती है या आप अचीव करना चाहते हैं। साथ ही साथ आप होपफुल हैं, बिंदास हैं, केयर फ्री हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। और ऐसा भी लग रहा है कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं आपके लाइफ में, या आपको कोई ऐसा ड्रीम आया है या कुछ ऐसे आपको गाइडेंस मिली है जिसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं और आपको पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं। जैसे कई बार पॉजिटिव साइंस में आप कह सकते हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पॉजिटिव साइंस क्या मिलते हैं, कई बार मैं सुबह उठती हूँ और डेफिनेटली मुझे कोई ऐसा लव बर्ड्स दिख जाता है जो कि वाइट डव हो या पैरट हो, पैरट का कपल दिख जाए, या समटाइम्स मोरनी मुझे दिखते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि हार्ट शेप या तो मुझे स्काई में नज़र आता है या मुझे हार्ट शेप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगा। मतलब पानी भी अगर ज़मीन पे गिरा होगा ना तो वो हार्ट शेप में गिरा होगा, तो ऐसे सीन बहुत ज़्यादा होते हैं। या फिर पॉसिबिलिटी ये भी होती है कई बार कि अगर मैं बेडरूम में हूँ तो मेरे बेडरूम में फेदर कहीं ना कहीं से आता है, भगवान जाने कहाँ से आता है, क्योंकि वहाँ पर कोई स्रोत नहीं है कि कोई बर्ड आएगी तो बेडरूम में फेदर। कई बार पता चला मैं किचन में काम कर रही हूँ और किचन के प्लेटफॉर्म पे फेदर है, सो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, क्योंकि वहाँ पर कोई स्रोत नहीं है कि चिड़िया आए। बाहर मिलता है तो इमेजिन किया जा सकता है कि हाँ आई होगी, बैठी होगी, गिर गया होगा। तो ये कुछ साइन है। इसके अलावा मुझे ज़्यादातर जो साइन मिलते हैं वो ड्रीम्स में मिलते हैं। ड्रीम्स में मुझे कोई ऐसे साइन मिलेंगे जिसका अगर मैं मीनिंग सर्च करूं, डिकोड करने की कोशिश करूं, तो उसका मीनिंग यही आएगा कि आपके लाइफ में कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है और आपकी लाइफ में वो चीज़ें घटित भी हो जाती हैं। जैसे आपने आज ड्रीम देखा, विद इन अ वीक वो चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हो जाती हैं। तो आप समझ लो कि ये वो साइन था, वो आपको वार्निंग दी जा रही थी या ब्लेसिंग्स दी जा रही थी। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बुरा होने वाला है और वो इंडिकेशन पहले ही पता चल जाती है, तो वो भी एक पता चल जाता है कि मतलब अंदर से एक एनर्जी आ जाती है कि कहीं कुछ होने वाला है और उसके एक हफ्ते के अंदर कोई ना कोई खबर आ जाती है। तो ये इंट्यूशन है जो कि आपके सबके अंदर होता है, सिर्फ उसको कैच करने की एनर्जी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत पॉजिटिव हैं क्योंकि उन्हें ऐसी इंट्यूशन है या ऐसी उनकी सिक्स सेंस है, उनको ये गाइडेंस मिल रही है कि उनके लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, या तो उनके करियर फील्ड में या उनकी लव लाइफ में या उनकी मैरिड लाइफ में। ये डिपेंड करता है क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन कुछ अच्छा होगा ऐसा आपको पूरा होप है। वहीं जो दूसरा ग्रुप है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जगलिंग में है। यहाँ पर वी हैव गॉट डबल टू, टू ऑफ वांड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि उनका पर्सन आएगा, आपको मतलब दिल से ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन आएगा, लेकिन आपकी उम्मीद अब कम हो रही है क्योंकि आपका पर्सन आ नहीं रहा है। आप इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग में हैं। कई बार आप कंफ्यूज भी होते हैं कि आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। आपका पर्सन तो आने का नाम ही नहीं ले रहा। आपके मन में ये भी आता होगा कि रीडिंग तो बड़ी पॉजिटिव है, आने वाले समय में नेक्स्ट एक्शन पॉजिटिव है, आपकी होप जगती होगी, बट सडनली ऐसा होता होगा कि नहीं,
मेरा पर्सन तो आया नहीं, काफ़ी लोगों का आ गया बट मेरा तो नहीं आया। तो ऐसी अगर आपकी एनर्जी है तो आपकी दो सिचुएशन हो सकती है, या तो आप किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं जो वन साइडेड एफर्ट है, मतलब सारा एफर्ट आपकी तरफ से ही है, उनको कुछ ज़्यादा पड़ी नहीं है, और या तो दूसरी सिचुएशन है कि वो किसी मजबूरी में है, या आपका ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है आप दोनों का कर्मा हो, किसी तरह का पेंडिंग कर्मा, क्योंकि ज़्यादातर कर्मा सिचुएशंस में हमने ये देखा है पर्सनल रीडिंग में ज़्यादातर कि रिलीज़ हो जाती है चीज़ें, या तो वो बॉन्ड टूट जाता है, या पर्सन रिलीज़ हो जाता है, कहीं और चला जाता है, किसी और के साथ चला जाता है। तो अगर आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं तो सिर्फ रीडिंग के भरोसे मत बैठे रहिए, या तो आप उनसे डायरेक्टली बात कीजिए, और या तो आप पर्सनल रीडिंग लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आप जिस पर्सन के लिए जगल कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो पर्सन आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ज़रूरी नहीं है कि ये अगर 25,000 लोग देख रहे हैं तो ये 2,500 के साथ रेजोनेट कर, डिपेंड्स कि ये कलेक्टिव है तो कलेक्टिव एनर्जी हम पिक करते हैं और आपको बताते हैं। कुछ लोगों का आज के दिन में झगड़ा भी होने वाला है, किसी से झगड़ा आपका होगा, यहाँ पर ऐसा लग रहा है या तो आप पर कोई ब्लेम लगाएगा या आप किसी पर ब्लेम लगाएंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आज कठोर वचन निकल सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए तलवारें नज़र आ रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसा एनर्जी हो सकता है जो कि रूड हो। देखते हैं आपके पर्सन के हालचाल। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, जजमेंट, पेज ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स। आपकी तरफ सिक्स ऑफ वांड्स आया था, इनकी तरफ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। इनकी एनर्जी आज इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, मतलब केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी में है, किसी न किसी को सर्विस देते हुए नज़र आएंगे, जैसे कोई अच्छा काम करना, किसी से हॉस्पिटल मिलने चले जाना, या घर में किसी की केयर करना, नर्चर करना। इसके अलावा मैं बता दूं कि ये आज के दिन कुछ सेलिब्रेट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, या तो इनका बर्थडे है, या इनके घर में किसी का बर्थडे है, या इनके दोस्तों में किसी का बर्थडे, मतलब आज पार्टी शार्टी की एनर्जी है। तो अगर वो मेल हैं तो हो सकता है आज ड्रिंक करें या कहीं बाहर जाएं, ज़रूरी नहीं ड्रिंक करें, बिकॉज़ यहाँ एनर्जी है, यहाँ बॉयज़ का एक वो नज़र आ रहा है जिसमें लोग कुछ ऐसी पार्टी कर रहे हैं जिसमें आपको गुस्सा आ सकता है, या आपका झगड़ा हो सकता है। तो आपकी तरफ झगड़े का कार्ड है और इनकी तरफ एट ऑफ सोर्ड्स है, इसका मतलब कि आप दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है कि तुम कहाँ हो, क्यों हो, क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, जिसकी वजह से इनको बड़ा ट्रैप्ड सा फील होगा। तो ऑब्वियसली इंसान कब गुस्सा करता है, जब सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, लेकिन वो कुछ ऐसा आज कर सकते हैं पार्टी वोटी जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नज़र रखेंगे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आज के दिन में। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो अब तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ हैं, लेकिन अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो बहुत सारे लोगों के पर्सन वापस आना चाहते हैं और पैचअप करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि ये इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं, इस रिश्ते को अब अटका कर नहीं रखना चाहते। इवन अगर आप इनसे पूछोगे तो ये आपको सीधा जवाब भी दे देंगे कि आपको इनके लिए रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। तो ये है इनकी आज की एनर्जी, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो सकती है। सो इसके बाद मिलते हैं बड़ी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।